जहां निमका थाना में दुल्हा दुल्हन की गाड़ी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें घायल हुए दुल्हा और दुल्हन को गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर किया गया। वहीं आरोपी इंद्राज ने पीछा करने पर पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद आरोपी इंद्राज को भी इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंद्राज गुर्जर ने बाइक पर सवार होकर अपने दो दोस्तों के साथ दुल्हन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। आज रायपुर मोड़ पे थाना क्षेत्र नीमका थाना सदर में मॉर्निंग में दूल्हा दुल्हन जो विदाई करके जा रहे थे, उस पर तीन लड़कों ने मोटरसाइकिल आड़े लगा के फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों ही घायल हो गए, जिनको बाद प्राथमिक उपचार जयपुर रेफर कर दिया गया है। उसके बाद जो तीन लड़कों ने इंटरसेप्ट किया, उसमें एक लड़के को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे पकड़ने के लिए दबिश दी गई। तो दौराने दबिश थाना क्षेत्र पाटन में मुलजिमों द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें जो मेन मुख्य आरोपी था उसने इंद्राज गुर्जर उसके पैर पे गोली लगी और दो लोगों को हमने दस्तयाब किया। इंद्राज गुर्जर जो जिसके गोली लगी है उसको भी इलाज के लिए हमने अस्पताल भिजवाया।